कर लाखों की चोरी। जनपद मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे क्षेत्र के गांव सिरसखेड़ा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सुबह को मोहम्मद उमर पुत्र असगर अली रोज की तरह सुबह सोकर उठा और देखा कि घर के पीछे से आ गया। चोरों ने कोमल करके घर में रखे सोने चांदी के आभूषण और कपड़े लेकर चोर फरार हो गए। मोहम्मद उमर ने घर में रखे अलमारी के ताले टूटे देखकर होश उड़ गई। मोहम्मद उमर का कहना है कि मैंने अपने बेटी के रिश्ते के लिए कुछ रकम व कपड़े लेकर रखे थे, जिसको अज्ञात चोरों ने मेरे घर में कोमल लगाकर घर में रखे 270,000 रुपये व सोने चांदी के आभूषण लेकर अज्ञात चोर फरार हो गए। चोरी की सूचना थाना मुंडा पांडे पुलिस को लिखित में देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं थाना पुलिस का कहना है कि अज्ञात चोरों को जल्द से जल्द पकड़कर कार्रवाई की जाएगी। हमारे यहाँ अज्ञात चोरों द्वारा घर के पीछे से दोनों कमरों में कोमल लगा के चोरी कर ली गई है और उसमें घर में रखे सोने के सामान और 270,000 रुपये नगद जो कि अपने भात में देने के लिए रखे थे वो अज्ञात चोरों द्वारा चोरी करके ले गए हैं। और एक भतीजा मेरा मोहम्मद ताहिर जो कि नोएडा में काम करता है वहाँ से कल ही आया था वो और उसका शॉपिंग करके लाया था वो बैग और सारा सामान ले गए उसका जी। मोहम्मद उमर बड़े भाई का नाम है मेरे, ग्राम सिरसखेड़ा थाना मुंडा पांडे जिला मुरादाबाद के रहने वाले। ये घटना रात्रि लमसम 3:30 बजे के टाइम की घटना है। हाँ, पुलिस आई थी, पुलिस आश्वासन दे गई है अज्ञात चोरों के खिलाफ तहरीर दे दें आप, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। तहरीर में देने के लिए जा रहा हूँ। आभूषण में पाजेबें हैं वो चांदी की, सोने के कंगन हैं, सोने के सेट है, सोने का झूमर है और अदर्स लमसम 2 किलो चांदी लमसम आभूषण गए हुए हैं और 270,000 रुपये नगद 270,000 रुपये नगद और लमसम 4-4.5 लाख रुपये का सोना चांदी चला गया। मैं इसमें कार्रवाई चाहता हूँ और इनविटेशन में ये मैं चाहता हूँ कि पुलिस यहाँ आए और यहाँ पे उन लोगों की कॉल ट्रेस करे और उनके खिलाफ कार्रवाई। मोहम्मद उमर, आप हमारे घर में जो कोमल हो गए पीछे से दो कोमल हो गए, उसमें 270,000 रुपये मेरे रखे थे हुए थे, बच्चों के जेवरात था और बच्चों के कपड़े लगते और अलग से थे और मुझे सब समझ में चला गया। हाँ, पुलिस भी आई थी साहब, ऐसे दरवाजी भी आए थे। उसके कहना यही है कि साहब जान बचान करके कुछ बतलाओ कुछ, मतलब कि हम तो सोते हुए रह गए, हमें तो कोई मालूम नहीं। हमें साहब 4 बजे जब हमारा एम्बेडर बंद करने के लिए अंदर चटकने के बंद करने के लिए लड़का गया तो उसका दरवाज़ा नहीं खुल गया कमरे का, दरवाज़ा नहीं खुल गया तो दूसरा कमरे का देखा तो भी नहीं खुल गया, तो छत पर चढ़ के जब देखा पीछे को तो कोमल हुए पड़े थे, तो पीछे से आके जब दरवाज़ा देखा तो कोमल हुए पड़े, सब सामान सब सब चला गया। माल जो 270,000 रुपये तो मेरे नकद थे और मेरे लड़की के जेब रात था और जो लड़की के पैसे अलग थे, बीबी के पैसे अलग थे, वो सब चले गए। आपके हिसाब से साहब जो जो चाहे जो पुलिस चाहे वो सकती है साहब, जो कार्रवाई चाहते हैं साहब, और क्या कार्रवाई में जो हो ये है।